27 अक्टूबर की शाम एक तरफ जहां पूरे देश में दीपावली की खुशियां मनाई जा रही थी, एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी, वहीं मीरा रोड के नया नगर में कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय लोगों के साथ खून का खेल खेल रहे थे। दरअसल पूरा वाक्या ऐसा है कि दीपावली की शाम मीरा भाईंदर स्थित गीता पुष्प फेस नंबर 8 नामक बिल्डिंग के बाहर कुछ लड़के गांजा ड्रग्स का नशा कर रहे थे, जिसका विरोध यहाँ के रहवासियों ने किया, जिससे नशा कर रहे युवकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी, उन युवकों ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर धारदार तलवार चाकू जैसे हथियारों से वो लैस थे। इन युवकों ने गीता पुष्प के रहने वाले रोहन व सचिन सिंह इन दोनों भाइयों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इनके बीच बचाव करने आए ओम प्रकाश मिश्रा, संदीप चंद्रगिरी, पुनीत कुमार व रोहन, सचिन के पिता राम नारायण सिंह भी जख्मी हो गए। इस मामले को तूल पकड़ता देख सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट हाफ मर्डर के तहत मामला दर्ज कर लिया और इसकी जाँच कर रहे हैं। यहाँ के स्थानिकों का कहना है कि इस तरह का यह मामला पहला नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन पुलिस इन लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि अब तो शाम को बिल्डिंग से निकलने में भी डर लगता है। इस वारदात के बाद सोसाइटी के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आइए जानते हैं कि यहाँ के स्थानिकों का क्या कहना है। परसों घटना ऐसी हो गई कि सोसाइटी में लोग दिवाली मना रहे थे, मेरे घर में एक बच्चा एक्सपायर हो गया एक 10 दिन पहले, तो हम लोग दिवाली नहीं मना रहे थे, अपने घर पे ही थे। मेरे दो लड़के हैं बिरार में ऑफिस है, वो लोग ऑफिस गए थे, 8:30 बजे आए हैं वहाँ से रिटर्न, तो ये गेट पे एक 4-5 चरसी लोग चरस पी के मस्ती कर रहे थे गेट के ऊपर। हमारे लड़के लोग अंदर आए तो वो लोग गाली दे रहे थे सोसाइटी वालों को। लड़के अंदर आ गए तो वो लोग ने दरवाज़ा ढकेल के गेट को धक्का मारा और वो खुद घुस के आए अंदर, दो जन, एक बंटी और दूसरे का नुमान नाम है। नुमान ने उसके बड़े लड़के के नाक पे मार दिया बहुत ज़ोर से और उसका ब्लीडिंग होने लगा बहुत ज़्यादा, तो सीधा घर पे भाग के आ गया। छोटा लड़का मेरा नीचे रुक गया था, उससे ये लोग हाथापाई और मारपीट करने लगे। सोसाइटी वाले ने मिलके छोटे लड़के को मेरे गेट के अंदर ले लिया, बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ उसके अंदर कर दिए और गेट बड़ा बंद कर दिए। उसके बाद ये लोग 4-5 लोग मिलके गेट ज़बरदस्ती खोल के अंदर घुसे हैं, बायोमेट्रिक जो गेट है उसके ऊपर लात मार के बायोमेट्रिक गेट भी उन्होंने खोल दिया लात मार के और अंदर घुस गए। उसके बाद उससे मारपीट करने लगे। जब हमको मालूम पड़ा, बड़ा लड़का घर पे आया उसका ब्लीडिंग देख के हमको मालूम पड़ा, तो उसके बाद में मैं नीचे उतरा हूँ और नीचे उतरने के बाद फिर हम भी मारपीट किए, हम भी उनको मारे और छोड़ा है। हमारे लड़के को उन्होंने पकड़ के रखा था, छोड़ ही नहीं रहे थे, 4-10 डंडा मारा हूँ उसके बाद उसने छोड़ा, इतना पकड़ के रखा था कि छोड़ ही नहीं रहा। हम लोग इतना छुड़ा रहे हैं और उसका एक आदमी तलवार लेके भाज रहा है, तलवार घुमा रहा है हमारे गर्दन के ऊपर के मारूंगा, और उसमें सोसाइटी के कम से कम 5-6 लोग घायल हो गए, तलवार का लगा है उनको, मेरे लड़के को भी तलवार का लगा है और सबका नाम मैंने दिया है। हमको तलवार का तो नहीं लगा, हमको धक्का मार दिया, मैं गिर गया था, मेरे हाथ में पैर में भी मार लगा है, लेकिन वार का नहीं हमारे ऊपर लगा। लेकिन हमारे बच्चे को ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, उसके सर के ऊपर 8-9 टाका लगा है। दूसरा लड़का पुलिस के यहाँ हम लोग कंप्लेंट देने गए तो पहले तो ये लोग ने 326 का धारा लगाया, बोले कि इंक्वायरी हम करेंगे, जबकि हम लोग कोशिश ये थी कि भाई आप मर्डर का केस लगाइए, हमारे लड़के को तलवार मारा है लोग ने और तलवार लेके आए, लेकिन ना तो इन्होंने हमारे बच्चे लोग का स्टेटमेंट लिया है और ना तो तलवार जब्त करने की कोशिश किया है लोग ने। हमने बताया कि ये लोग का अड्डा है यहाँ पे और वो अड्डे पे जाइए आप, वहाँ आपको मिलेगा हथियार, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं आई है। दूसरे दिन हम लोग सुबह सोसाइटी वाले जाके उस बंगले का घेराव किया और उसमें देखा तो तलवार हथियार चाकू पड़ा हुआ है, नशीली सामानें भी थी वहाँ पर। वो सब देखने के बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, फिर यहाँ पठान आए हैं और उन्होंने तलवार जब्त करके लेके गया, चाकू वगैरह छोड़ दिए, तलवार उन्होंने जब्त करके लेके गया। अभी उसके आगे वो बोले कि हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। हाँ जी, घटना झाली त्याबद्दल तुमसे काय प्रतिक्रिया आहे? जैसी प्रतिक्रिया है कि हम लेडीज लोग को बहुत तकलीफ है उधर जाने आने में, हम लोग को वो गर्दुलेंग के भी ऐसे हमारे बच्चे लोग जाते हैं, कोई खींच के लेके जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो हम लोग को बंगला नहीं चाहिए, वो पूरा साफ होना चाहिए और जंगल भी साफ होना चाहिए, आगे एक बिल्डिंग बन रही है वो भी साफ होना चाहिए। यहाँ पर चरसुले गर्दुले लोग बैठे रहते हैं, क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? बहुत बार की मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। हम लोग को आज से नहीं, 2014 से ये प्रॉब्लम इनका चालू है, ये डेली जाते हैं जेल में और छूट के इनको कैसे वो लोग बाहर आते हैं 4 दिन और आते हैं, फिर इन लोग बोलते हैं कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं,
हम सबको देखेंगे करके। कितने सालों से ये चर्ची गर्दुल्ले का अड्डा बना? ये 2014 साल से 2014 से चालू है। ये हमारे एक शॉप वाला है उसको भी मारा है, लड़की है उसको भी खींच के लोग लेके गए हैं, रेप का कोशिश किया। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद आती है क्या? कोई मदद नहीं आती, कोई नहीं मदद, कोई मदद नहीं, बहुत कार्रवाई हुई मगर कोई मदद नहीं है। हमको एक आतंकवादी का एक भय हो गया है, पूरा सोसाइटी में पूरा 5-6 बिल्डिंग सब डर गए हैं। इनकी बहन बेटी है, बहू है, कोई पीछे बच्चे लोग को ट्यूशन स्कूल नहीं जा सकता 6 बजे के बाद में। जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त जो है कि आपने मदद किससे मांगी और किस तरह की आपको मदद मिली? सर मैंने तो गीता परदेसी को, नगर सेविका है उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरे बच्चों के साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई, आप मैडम जल्दी से जल्दी आओ। वो बेचारी जल्दी से तुरंत दौड़ के आई, साथ में हम लोग को लेके पुलिस चौकी गई। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने मम्मी को बुलाया, फारूक भाई को बुलाया, जुबेर इनामदार को बुलाया, सब लोग ने आके हमारे साथ में 4 घंटा बैठे थे और हमारा कंप्लेंट देने को लगा है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। इनामदार साहब बताइए क्या यहाँ पर मामला है और आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? परसों की रात को कुछ ड्रग एडिक्ट्स ने इनके सोसाइटी के पास आकर कुछ मारामारी की, जिसके वजह से यहाँ पे सिंह साहब करके रहते हैं उनके लड़के को बहुत बुरी तरह से मार लगा, उसका सर पे तलवार से वार किया गया और उसको टाके वाके आए, सीरियस है मैटर। पुलिस के पास, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हम उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए, पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई यानी प्राइमा फेसी कार्रवाई में 323 का केस रजिस्टर किया और उसके बाद अभी कल यानी रिमांड में जब उसको लेकर गए, उससे पहले उसको 307 में कन्वर्ट भी किया है, हाफ मर्डर केस एब्सोल्युटली रजिस्टर हुआ है और पुलिस अपने आप से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने जहाँ पर ये जो सामान रखा गया था, सब तलवार वगैरह जो रखी गई थी, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई की और उसको सबको सामान को अपने ताबे में लिया है। मैं आपके माध्यम से एक मौका लेकर बोलना चाहूँगा कि पड़ोस में एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो बंद है, उसके अंदर जो फ्लैट है, सैंपल फ्लैट्स बनाए हुए थे, वो खाली पड़े हैं और उसका इस्तेमाल ये ड्रग एडिक्ट्स करते हैं। पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है आइए जानते हैं। घटना घटी थी, क्या हुई घटना घटी थी और क्या उसका इस वक्त स्टेटस है? 2 दिवसापूर्वी इथे जे मारामारीचा गुन्हा दाखल झाला होता, घटना घडली होती, त्यानिमित्ताने इथे एक गुन्हा दाखल झाला, 2 जखमींची तक्रार दिली, घेतली आपण, तक्रार घेतल्यानंतर त्यांचा उपचार चालू आहे, गुन्हा दाखल झालेला आहे कायदेशीरपणे आणि 2 आरोपी अटक केलेले आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे। घटनास्थळी आरोपींनी काही तलवार वगैरे फिरकवले होते, या संदर्भात काही CCTV फुटेज वगैरे पण आहे, तर त्या संदर्भात पोलिसांनी काय अजून गुन्हा दाखल केला आहे? काय चौकशी चालू आहे, बाकी इतर गुन्ह्याच्या संबंधाने इतर गोष्टी आहेत, त्यांनी आपल्याला जशी माहिती मिळत जाईल तशी आपल्याला माहिती देत जाईल। साहेब पोलिसांनी काय गुन्हा दाखल केला आहे? सेक्शन काय काय? हा कलम 307 गुन्हा दाखल आहे, बाकी 326 323 आहे गुन्हा दाखल आहे। आर्म्स ऍक्ट लावले होते? आर्म्स ऍक्ट आम्ही लावला होता, पण आपलं वेपनची आपलं फक्त माहिती मिळाली आहे, पुढे वगैरे प्राप्त करतो आहे आपण आणि आरोपींना पण चौकशी चालू आहे, तशी पुढे तपास चालू होईल असं आपण आपलं करू। साहेब आरोपीवर याच्या अगोदर पण काही गुन्हे दाखल आहे? सध्या तपास चालू झाला, चौकशी करतो आहे आम्ही। साहेब या सोसायटीला लागून एक बंगला आहे, तिथून त्या आरोपींनी काही हत्यार वगैरे आणले होते असं या लोकांचं म्हणणं आहे सोसायटीवाल्यांचं, तिकडं आपण काही बघितलं साहेब? नाही आता आम्ही माहिती घ्यायला लागलो त्याची, आम्ही आता तपास चालू आहे आणि पूर्ण आपण फुटेज वगैरे चेक करायला लागलो आहे। सर ये क्या है पूरा घटना, आप उस पर बताएंगे कैसे आपको ये चोट कैसे लगी? सर दिवाली का टाइम था, हम बिल्डिंग के अंदर थे और 7 से 8 लोग बाहर थे नया नगर के, तो ड्रग्स लोग थे, बहुत बार हमने सोसाइटी कंप्लेन की पर पुलिस एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ, लोग हमेशा ड्रग्स लेके गेट के बाहर ही खड़े होते हैं, वहीं पर नशा करते हैं और आते जाते सबको छेड़ते हैं, सब लेडीज लोगों को भी, पर सोसाइटी कंप्लेन होने के बावजूद भी कभी कुछ नहीं हुआ। इस बार दिवाली पर हम लोग गेट के अंदर थे और हम लोग अंदर आए, गाली देने लगे जात पे, हिंदू पे, और उसके बाद लोग ने आग पे आके हाथापाई करना चालू किया, हाथापाई होने लगे, बिल्डिंग के काफ़ी लोग आए छुड़ाने लगे, तो उनमें से एक तलवार लेके आया भाग के, उसके बाद मेरे सर पे मार दिया, तो उसके बाद बिल्डिंग के जितने लोग छुड़ा रहे थे उनको, उनके ऊपर भी चलाई गई तलवार, उनको भी लगा और भाई को मार के उसका सर और नाक पूरा फोड़ दिया।
भाई क्रिटिकल है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मीरा भाईंदर के इस तरह असामाजिक तथ्यों से पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है?